Hey friends, welcome to my channel and today we are going to study the Indian Partnership Act 1932. Indian Partnership Act जो हमारी partnership है वो Indian Partnership Act 1932 के अंडर govern होती है. ये act हमारे 1st October 1932 से enforce हो गया था, जिसमें section 69 को छोड़ा गया था. means जो section 69 है वो एक साल के बाद enforce में आया था, लेकिन बाकी जो acts था ना वो 1932 में 1st अक्टूबर को इन्फोर्स हो चुका था. अब सेक्शन 69 किस चीज़ के रिगार्डिंग था? ये था हमारा इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन. द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइंस अ पार्टनरशिप एज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु अग्रीज टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस रन बाय देम ऑल और बाय वन और मोर पर्सन. सबसे पहले पार्टनरशिप में दो या दो से ज़्यादा पर्सन का होना बहुत ज़रूरी है, जो अग्री करता है प्रॉफिट को, लॉस को, अपने बिजनेस को कैसे रन करना है. या तो एक पर्टिकुलर पर्सन रन करे या बाकी सब मिलकर रन करे, लेकिन यहाँ पे सबको शेयर्स लगाना है. दैट इज़ कॉल्ड पार्टनरशिप. सेक्शन 4 का पहला पार्ट डिफाइन करता है पार्टनरशिप, और सेकंड पार्ट डिफाइन करता है कि जो पर्सन एंटर होता है किसी और के वजह से, किसी और की बदौलत, तो दैट इज़ कॉल्ड एज इंडिविजुअल पार्टनर्स. एंड कलेक्टिवली जिस नेम से जो पार्टनरशिप चल रहा है उसको बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म. ये सब आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए कि केंट ने पार्टनरशिप को कैसे डिफाइन किया है. एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप: देयर मस्ट बी टू और मोर पर्सन एज प्रिंसिपल्स कैरिंग ऑन अ बिजनेस. पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट एंड इट इज ऑर्गेनाइज टू कैरी ऑन अ बिजनेस. द पर्सन्स एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस इज कैरीड ऑन बाई All or any one of them acting for all. बहुत ही आसान वर्ड है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. नाउ वी आर डीलिंग विद द केस CIT वर्सेस जदावी नविदास एंड कंपनी 1963 का केस है ये. इसमें साफ साफ बताया गया है कि कोई भी फर्म जो है वो पार्टनरशिप नहीं कर सकता है किसी पर्सन के साथ. दूसरा केस है हमारा महावीर कोल्ड स्टोरेज वर्सेस CIT 1991. फर्म ना तो एक कोई लीगल पर्सन है, ना तो वो कोई लीगल एंटिटी है, ये कलेक्टिव नेम है इंडिविजुअल मेंबर का. छोटा सा नोट था, उम्मीद है आपको अच्छी लगे. तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें.